रायबरेली में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा महाराजगंज में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस से लौटते समय एक डीसीएम गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से 55 बोरी पानी के पाउच बरामद किए गए। इस समय अवैध आरओ प्लांट चलाने वालों पर जिला प्रशासन की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। गर्मी के मौसम में जिले में अवैध रूप से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के संचालित सैकड़ों संख्या में आरओ प्लांट चल रहे हैं। गाड़ी से बरामद पानी के पाउच को सैंपल के लिए भेज दिया गया। सर आज कहाँ छापेमारी हुई, क्या चीज पकड़ी गई है? संपूर्ण समाधान दिवस में मैं डीएम महोदया का संपूर्ण समाधान दिवस आज महाराजगंज तहसील में थी। वहाँ से संपूर्ण समाधान दिवस के कार्यक्रम पूरा संपन्न होने के बाद मैं लौट रहा था, तो रास्ते में एक चार पहिया वाहन मिला जिसमें ये पानी का पाउच लगा था। यूपी 33870026। तो पानी का अंदेशा होने पर मैंने गाड़ी रुकवाया तो उसमें देखा कि करीब 55 बोरे पानी के हैं, 90 पाउच प्रति बोरा। वो गाड़ी चूँकि उसमें सिर्फ स्टाफ था तो उसको मैं कलेक्ट्रेट में ले आया। उसका हमारे FSO नितिन कुमार अभी नियमानुसार कार्यवाही करके नमूना संग्रह कर रहा है। इसकी फैक्ट्री कहाँ है, कैसे जो बेच रहे थे? वो स्टाफ बता रहे हैं कि महाराजगंज रोड पर ही कोई राधा कृष्ण मंदिर है, गढ़ी जगह है, वहीं पर फैक्ट्री है। और वो फैक्ट्री विदाउट ये जार वाटर तो ऐसे भी कहीं से भी लाइसेंस होल्डर नहीं है, लेकिन पाउच पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में आता है, परव्यू मेरे विभाग के परव्यू में आता है, तो वो विदाउट लाइसेंस ही है। अभी चूँकि बगैर BIS लिए हुए मेरे विभाग का लाइसेंस नहीं बन सकता, तो अभी ये BIS लिए नहीं है, विदाउट लाइसेंस है।